वेलकम बैक। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अलनानार। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अलनानार में हमारे पास किसकी ब्रांच है, मीडियल कॉर्डा ब्रेकियल प्लेक्सस की। पहले ये भी उसी तरह दूसरे नर्व की तरह कहाँ से लोअर पार्ट आता है, एक्जिला से स्टार्ट होनी है। इसके फिर अगर हम एक्जिला में देखते हैं और फिर हम आर्म में इसका कोर्स देखते हैं तो क्या है कि ये देखें, पीछे हमारे पास क्या पड़ी हुई एक्जिलरी आर्टरी पड़ी है, थर्ड पार्ट ऑफ द एक्जिलरी आर्टरी लोअर पार्ट ऑफ द एक्जिला में चलेगी। जैसे ही हम इसको फिर कहाँ पे इंटर हो जाएगी, आर्म के अंदर इंटर हो जाएगी। आर्म के अंदर भी ये क्या करती है, मिडिल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी में, मिडिल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी एक्सटेंड करती रहती है और अप टू द कोराको ब्रैकियलिस। ये देखें नीचे कोराको ब्रैकियलिस मसल पड़ा हुआ है, यहाँ तक जहाँ तक इसकी इंसर्शन होनी है उस तक ये कहाँ पे चलती है, मिडिल साइड ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी रन करती रहती है। उसके बाद ये क्या करती है, मिडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम जो आ रहा होता है उसको पायरस करके ये बिहाइंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में चली जाएगी। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में चली जाएगी, फिर डिसेंड डाउन करेगी। डिसेंड डाउन करने के बाद इसने क्या करना है, मीडियल एपिकंडाइल के बिहाइंड चली जानी है। ऐसे वो जो हमने पढ़ी थी अल्नर कोलेटरल आर्टरी उसके साथ साथ डिसेंड डाउन करती और फिर ये देखिए मीडियल एपिकंडाइल आ रहा है, मीडियल एपिकंडाइल के बिहाइंड चली गई। मीडियल एपिकंडाइल के बिहाइंड आने के बाद फिर क्या करती है, ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में कैसे आती है, फोर आर्म के एंटीरियर कंपार्टमेंट में आने के लिए इसने क्या करना है, पायरस करना है फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस मसल्स के दो हेड को। यहाँ से देखें जरा, ये आपके पास क्या आ गया, ये अल्नर नर्व आ रही है, ये देखें ये अल्नर नर्व, ये बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल, मीडियल एपिकंडाइल के बाद आने के बाद ये देखें ये आपको दो हेड नजर आ रहे हैं, ये दो हेड, ये और ये फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस मसल के, फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस मसल के दो हेड को इसने क्या करना है, पायरस करना है। उन दो हेड के दरमियान एक छोटा सा टनल बन रहा था जिसे हम क्यूबिटल टनल बोलते हैं, उस टनल में से पास आउट होके इसने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म। एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आर्म में जब आती है तो उसको हम यहाँ से जरा देख लेते हैं। ये देखें ये अल्नर नर्व इन द क्यूबिटल टनल, क्यूबिटल टनल कैसे बना, हमने जो दो हेड की बात की फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस मसल के, ये देखें ये एक हेड ऊपर पड़ा हुआ फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस, ये दो हेड बनते हैं फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस मसल, इन दो हेड से क्या करता है ये पास आउट हो रही है और फिर ये क्या करेगी लेटरल टेंडन के साथ फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस मसल के साथ ये ट्रैवल करेगी और ट्रैवल करने के बाद ये देखें फोर आर्म में आ जाएगी। फोर आर्म आने के बाद सुपर यहाँ पे जब लोअर पार्ट पे आती है फोर आर्म के तो यहाँ पे क्या होती है ये सुपरफिशियल बन जाती है नर्व। सुपरफिशियल नर्व बनने के बाद ये क्या करती है आर्म के अंदर एक्सटेंड कर जाती है। अब हम अगर ये तो होगी इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे कोर्स के बाद जब आर्म में जाएगी तो यहाँ पे देखें ये थिनार, ये आपके पास क्या पड़ा हुआ हाइपोथिनार पड़ा हुआ, ये होता है थिनार जो थम के बिल्कुल पास आ रहा है और ज़्यादा थिन पार्ट है हमारे पाम का या हमारे हैंड के एंटीरियर सरफेस का, उसे हम क्या बोलते हैं थिनार बोलते हैं। ये आपके पास आ गया हाइपोथिनार, ये हाइपोथिनार के एरिया को क्या करेगी यहाँ पे कुटेनस सप्लाई भी देगी और दूसरी भी, यहाँ पे आके ये सुपरफिशियल हो जाती है फिर यहाँ पे मसल को सप्लाई भी देती है, यहाँ पे आके टर्मिनेट हो जाएगी। ये देखें ये टर्मिनेट हो रही है आगे ब्रांचेस में। अच्छा ये तो हमने इसके कोर्स की बात कर ली, इसके अब हम देखते हैं ब्रांचेस में, ब्रांचेस को अब यहाँ से देखते हैं। ये आर्म के अंदर कोई ब्रांच नहीं देती, जैसे ही ये फोर आर्म में एंटर होती है ये देख लें ये फोर आर्म में एंटर हुई, फोर आर्म में जैसे एंटर हुई फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस के दो मसल्स को पायरस करके आई तो यहाँ पे क्या करती है दो एक ब्रांच देती है फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस मसल को जो मस्कुलर यहाँ पे ब्रांच ये फोर आर्म के अंदर और एक क्या देती है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल्स को। ये फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल भी ऊपर हमने फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल हटा दिया, नीचे क्या पड़ा हुआ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल जो डीप मसल है उसके क्या करेगी ये मीडियल हाफ को ये सप्लाई करेगी। ये देखें इस साइड के मीडियल हाफ को ये सप्लाई करेगी और जो लेटरल हाफ होगा उसको क्या करेगी मीडियन नर्व सप्लाई करेगी। जब हम मीडियन नर्व पढ़ेंगे तो उसमें उसका जिक्र आ जाएगा। ये फ्लेक्सर कार्पे अल्नारिस मसल को फिर इसने मस्कुलर सप्लाई देने के बाद ये क्या करती है जब लोअर पार्ट ऑफ द फोर आर्म पे आती है ये देखें फोर आर्म रिस्ट के पास आई रिस्ट जॉइंट से थोड़ा सा पहले इसने दो सुपरफिशियल दो क्या दी कुटेनियस ब्रांचेस दी। एक क्या देती है पाल्मर ब्रांच
जो पाल्मर कुटेनियस नर्व बन जाती है, ये देखें सुपरफिशियल नर्व आगे ऊपर, यहाँ पे क्या करेगी जो एंटीरियर सरफेस पाम की एंटीरियर सरफेस होगी, ये देखें ये दिखाई हुई पाम की एंटीरियर सरफेस पे इसने क्या देनी है जो पाल्मर कुटे पाल्मर हमने ब्रांच देखी, ये पाल्मर ब्रांच इसने क्या करनी है एंटीरियर सरफेस ऑफ द पाम पे, ये पाम हाइपोथिनार हाइपोथिनार कह रही है, फिर ये लीटर वन एंड हाफ को यहाँ पे क्या करेगी एंटीरियरली कुटेनियस सप्लाई दे देगी। दूसरी आपके पास रहेगी डार्सल ब्रांच ऑफ द अनर नर्व, ये देखें ये डार्सल ब्रांच जा रही है, ये डार्सल क्या करेगी ये बिहाइंड रिस्ट ज्वाइंट ट्रेवल करेगी और फिर कहाँ पे चली जाएगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द हैंड में चली जाएगी सुपरफेशियली, और वहां जाके ये देखें लेटरल टू एंड हाफ को सप्लाई देगी, और ये देखें लेटरल टू एंड हाफ जो थर्ड हाफ सेकेंड डिजिट है और थर्ड इनके क्या करती है ये लेटरल टू एंड हाफ इनको सप्लाई दे रही है। अच्छा इनको कुटेनियस सप्लाई देने के बाद फिर क्या करती है यहाँ पे एक आर्टिकुलर ब्रांच भी देती है, आर्टिकुलर ब्रांच किसके देगी एल्बो ज्वाइंट को देगी, फिर यहाँ पे एक आर्टिकुलर रिस्ट ज्वाइंट को भी देगी। इसको हम थोड़ा सा बॉक्स स्टडी कर लेते हैं टिल नो, फिर हम इसका हैंड में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखें अल्नर नर्व, इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है म्यूजिशियन नर्व। म्यूजिशियन नर्व हम क्यों बोलते हैं क्योंकि ये फिंगर की फाइन मूवमेंट कंट्रोल कर रही होती है, फाइन मूवमेंट वो होती है जो हम राइटिंग में देख रहे हैं, जैसे हम राइटिंग करते हैं हैंड राइटिंग है, जिसकी हैंड राइटिंग जितनी ज़्यादा क्लीन होती है तो उसकी उतनी हैंड मूवमेंट फाइन होती है, इसी तरह सर्जन की जो हैंड मूवमेंट होती है वो भी। उसके बाद हमने कोर्स की बात की थी तो वो कोर्स भी आप पढ़ चुके हैं, इसके बाद हम रिलेशन इसके इंपॉर्टेंट नहीं होते इतने ज़्यादा, ब्रांचेस की बात करते हैं। ब्रांचेस में आप देख चुके हैं मस्कुलर ब्रांचेस फ्लेक्सर कार्पे अल्नरिस को और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस को, वही बात हुई। फिर पाल्मर कुटेनियस ब्रांच हुई, पाल्मर कुटेनियस ब्रांच क्या करती है हाइपोथिनार को और हाइपोथिनार एमिनेंस को सप्लाई करती है और फोर आर्म को सप्लाई करती है। फिर डार्सल कुटेनियस ब्रांच थी, डार्सल कुटेनियस ब्रांच क्या करती है मीडियल टू एंड हाफ ऑफ द डार्सम और एडजेसेंट एरिया उसको सप्लाई करती है। फिर आर्टिकुलर ब्रांच की बात की थी, वो क्या करती है एल्बो ज्वाइंट को देती है। अब इसका हम पोर्शन पढ़ते हैं हैंड के अंदर पोर्शन। हैंड में जैसे ही इंटर होती है तो हैंड में फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली इंटर होती है, ये देखें फ्लेक्सर रेटिनाकुलम यहाँ पे पड़ा हुआ है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के सुपरफिशियली इंटर होगी और सुपरफिशियली इंटर होने के बाद ये क्या करती है यहाँ पे देखें ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। एक आपको ये डीप ब्रांच नजर आ रही है, ये देखें एक डीप ब्रांच और दूसरी क्या आपको सुपरफिशियल ब्रांच नजर आती है, ये सुपरफिशियल ब्रांच होगी ये डीप ब्रांच होगी। अब डीप ब्रांच और सुपरफिशियल ब्रांच ने आगे मस्कुलर सप्लाई भी देनी है और इन्होंने क्या देनी है दूसरी कुटेनियस सप्लाई भी देनी है। अब जो मस्कुलर सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पास सुपरफिशियल ब्रांच है वो क्या करती है सुपरफिशियल ब्रांच आगे मस्कुलर सप्लाई देती है हाइपोथिनार मसल्स के, ये देखें यहाँ पे हमने कहा था कि हाइपोथिनार में तीन मसल्स आ रहे होते हैं, एक क्या हो रहा है एडेक्टर डिजिटी मिनिमी और फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस और एपोनेरिसिस डिजिटी मिनिमी, इन तीन को सप्लाई देगी। फिर क्या देती है आपके पास उसके बाद ये क्या बन जाती है कॉमन पाल्मर डिजिटल नर्व देती है और एक क्या देती है कॉमन ब्रांच फ्रॉम द डिजिटल नर्व विद अल्नर नर्व, ये देखें डिजिटल ब्रांचेस देगी वो क्या करेंगे आगे जाके उनको सप्लाई करेंगे, ये देखें मिडिल वन एंड हाफ को इन्होंने कुटेनियस सप्लाई देनी है किस साइड पे अल्नर साइड पे। अच्छा उसकी तरफ अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये आपके पास क्या आ रही है डीप ब्रांच आ रही है, डीप ब्रांच ने यहाँ पे एक तो मस्कुलर सप्लाई भी दे दी, दूसरा इसने क्या किया हाइपोथिनार के मसल को सप्लाई दी, दूसरा ये क्या करती है ये देखें इंट्रोशियाई पाल्मर एंड डार्सल इंट्रोशियाई मसल को सप्लाई करती है, यहाँ पे जो इंट्रोशियाई मसल्स आ रहे हैं पाल्मर और डार्सल दोनों को एट इंट्रोशियाई को सप्लाई करेगी। फिर जो है ना थर्ड एंड फोर्थ सिर्फ दो लुम्ब्रिकल्स को फर्स्ट एंड सेकेंड को नहीं थर्ड एंड फोर्थ दो लुम्ब्रिकल्स को भी सप्लाई करती है और एक मसल यहाँ पे थिनार का जो है ये देखें एक थिनार का मसल पड़ा हुआ है कौन सा एडेक्टर पोलिसिस उस मसल को सिर्फ एडेक्टर पोलिसिस मसल को भी ये सप्लाई करती है। दूसरी जो है ना कुटेनियस की हम यहाँ बात कर चुके थे कि डार्सम पे जाएगी तो ये एंटीरियर सरफेस पे ये देती है जो सुपरफिशियल ब्रांच आ रही थी और डार्सम पे ये देती है। अब हम इसके बारे में बात कर